हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वीर पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान खंड पर चर्चा करेंगे और इनमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक घंटी दिखेगी, आप उस घंटी को भी ज़रूर दबाएं, और घंटी को दबाने के बाद आपको ALL दिखेंगे, आप उसे भी दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह आपका पेज नंबर 23 है। कल मैंने पेज नंबर 22 तक बताया था, आज हम पेज नंबर 23 से पढ़ेंगे। तो आज हम पेज नंबर 23 से शुरुआत करते हैं। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, दिया है कि निम्नांकित चित्र को देखकर वस्तुओं की गति के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा झूला झूल रहा है, तो एक कौन सी गति हमें उनके नाम लिखने हैं। पंखा दिखाया गया है, इनमें कौन सी गति होती है। घंटी है, उनमें कौन सी गति होती है। और ट्रेन जब चलती है तो उसमें कौन सी गति होती है। तो हमें तीनों के नाम लिखने हैं। देखिए, जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो आप देखते होंगे कि ये झूले की डोर है, तो बच्चा यहाँ से आता है फिर यहाँ तक जाता है। अब देखिए, हर बार इसी रास्ते से झूला आते और जाता है। तो कल बताया था क्या बोलते हैं, तो इस गति को बोलते हैं हम लोग आवर्ती गति या फिर दोलन गति। देखिए, पंखा जब घूमता है तो आप जानते हैं कैसे घूमता है, पंखा गोल घूमता है, उसको क्या बोले थे इसे वर्तुल गति। अब देखिए, घंटी, जो घंटी होती है वह कैसे होती है। घंटी इस प्रकार से है और उसके बीच में इस प्रकार से एक बंधा हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। तो क्या होती है कि एक बार यहाँ से आके इसमें टकराती है, फिर इसमें टकराती है, तो इसमें इसी तरह से गोभी घूमते रहता है, मतलब एक ही रास्ते पे वो चलते रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। और अब अगला है ट्रेन। देखिए, ट्रेन जो होती है, क्या आप देखे होंगे ट्रेन की पटरी क्या होती है, सीधी होती है, सीधी ही चलती है ट्रेन। तो ट्रेन जो चलती है सीधी चलती है, तो ये क्या हो जाएगी, सरल रेखीय गति। तो चलिए तीनों के नाम लिखते हैं एक एक करके। तो पहला मेरा है हो गया दोलन गति या फिर आवर्ती गति। तो लिखेंगे दोलन गति, दोलन गति। दूसरा बताए कि दूसरे में क्या हो रहा है, पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूमना क्या होता है, वर्तुल गति। तो दूसरा मेरा हो गया वर्तुल गति। इसी प्रकार से अगर तीसरे की बात करें, तो तीसरे में आपको दिख रहा है घंटी दिख रही है, तो घंटी में भी क्या होती है, दोलन गति, आपको पहले ही समझाए। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करते, यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो जो इस कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, वो समझ में नहीं आएगा, और इस तरह से वीडियो आपके लिए इतना अधिक हेल्पफुल नहीं होगा। ये हो जाएगा सरल रेखीय गति। और आप जानते हैं आगे, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, रेलवे की हो, SSC की हो, GD की हो, आर्मी की हो, तो वहाँ पे प्रश्न आपको इन सब से देखने को मिल जाते हैं, या आपका आधार होता है। और यदि आप अपना आधार यहीं से कमज़ोर कीजिएगा, तो उस समय आपको दोबारा यही सब पढ़ने पड़ेंगे और एक मोटी फीस देकर पढ़ने पड़ेंगे बड़े बड़े कोचिंगों में। इसलिए आप यहीं पे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि बाद में आपको ये सब चीज़ें, जब आप किसी चीज़ की परीक्षा दें तो आपको ये सब नहीं पढ़नी पड़े। चलिए, तो अगला सवाल दिया गया है, झूले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। आपको बता दी दोलन गति, नाम लिखिए वर्णन कीजिए। तो दोलन गति लिखना है और नाम लिखना है और इसका वर्णन करना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 मिनट। तो यह जो गति है वह हमारी है दोलन गति।
तो यह हमारी है दोलन गति। तो मैंने को दोलन गति लिया, उसके बाद लिखना दोलन गति क्या होती है। इस प्रकार की गति में वस्तु, इस प्रकार की गति में वस्तु एक निश्चित समय, इस प्रकार गति में वस्तु एक निश्चित समय अवधि में अपने मार्ग को क्या करती है, अपने मार्ग को दोहराती है। निश्चित समय अवधि में अपने मार्ग को दोहराती है, एक निश्चित समय में अपने मार्ग को ये क्या करती है, तो दोहराती है। तो मैंने इसे लिख लिया, तो यही होगा आपका इसका आंसर कि दोलन गति इस प्रकार की गति में क्या होती है, एक वस्तु एक निश्चित समय अवधि में अपने मार्ग को दोहराती है। चलिए तो यहाँ तक ठीक है, मैं इसे कर दे लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लिया, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि के नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ने होगा। तो इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में वस्तु एक निश्चित समय या समय अवधि में अपने मार्ग को क्या करती है, तो दोहराती है। अगला दिया गया है कि राम व श्याम के घर के बीच की दूरी 2000 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में बदल के लिखिए। देखिए आपको बताया गया है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 2000 किलोमीटर 2000 मीटर बराबर बिल्कुल सही हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर हो गया। अब चलिए अब आपके अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, दिया गया है रोहन की लंबाई 1 मीटर है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। यदि आपको पिछला क्लास याद होगा तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। मतलब कि यदि रोहन की आयु 1 मीटर है तो इसकी अगर लंबाई 1 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आपके ये सभी सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 23 यहाँ पे समाप्त होता है। अब पेज नंबर 24 और 25 पे जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसे दबाएं, दबाने के बाद उसका रंग बदल जाएगा, वह काला हो जाएगा। उसके बाद आपको एक घंटी दिखेगी, उसके बगल में आप उस घंटी को दबाएंगे तो घंटी के ऊपर में आपको 3 चीज़ दिखेंगे, तो आपको उसमें से ऑल को दबाना है ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनाए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। हमारा जो अगला पेज है वो आपका पेज नंबर 23 के बाद 24 है, तो हम 24 पेज नंबर को देखेंगे। तो देखिए यह आपका अभ्यास कार्यपत्रक 13 है, यूनिट 5 वस्तुएं कार्य कैसे करती हैं पर आधारित है, और कक्षा 6 में जो आपके पाठ्यक्रम है उससे संबंधित है। तो चलिए इसे पहले सवाल को यदि हम देखें तो पहला सवाल दिया गया है उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। देखिए आपको सवाल दिए गए हैं, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सवाल है 4 विकल्प है, तो उसमें से जो विकल्प सही है आपको उस विकल्प पे बोला गया कि सही निशान लगाइए। चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल यदि आप देखें तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत परिपथ में नहीं किया जा सकता। देखिए विद्युत परिपथ कहने का तात्पर्य है कि वह परिपथ या फिर वह सर्किट जिसके माध्यम से आपके घरों में बिजली पहुंचती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। उसमें आपके बल्ब होते हैं, तार होते हैं, कहीं पे आपके
स्विच होते हैं, आपकी बैटरी लगी होती है, और भी आपके बहुत से उपकरण इनमें लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। तो आपको बताने हैं कि यहाँ पे जो चार दिए गए हैं उनमें से कौन सा वह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में बैटरी की तो ज़रूरत होती है, बल्ब की भी ज़रूरत होती है, सेल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन क्या लकड़ी के बेंट की ज़रूरत, लकड़ी के पट्टे की ज़रूरत होती है? नहीं। तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लकड़ी का कोई पट्टा, लकड़ी का कोई बेंत। तो चलिए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसका आगे का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ। देखिए, आप लोगों ने बचपन में देखे होंगे कि एक स्पीकर सब जो आता है उनमें एक काला रंग का पदार्थ होता है, जिस जो कि लोहे सबको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो जो पदार्थ उनसे खींचा जाता है वह चुंबकीय कहलाता है, और जो उस पदार्थ को नहीं खींचने पाता उसे हम लोग बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हथौड़ी होता है लोहा का बना हुआ, ये खींचा जाएगा, फ्रिज भी लोहे के होते हैं, ये भी खींचा जाएगा, ये आप देखते हैं सब टांगा कुल्हाड़ी बोलते हैं, ये भी खींचा जाएगा, लेकिन देखिए मग होते हैं आपके प्लास्टिक से, तो खिंचाएंगे क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? तो यह आपके अचुंबकीय हो जाएंगे। तो सही जवाब जो मेरा हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मग। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि मिलान कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट, आपको भी दो स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको इन दोनों से मिलाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम मिला सकते हैं। दिया है प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक का स्केल क्या होता है? देखिए प्लास्टिक है तो उससे तो विद्युत पास होगा नहीं, तो विद्युत रोधक हो जाएगा। स्टील का कटोरा, आप लोग जानते हैं स्टील से तो करंट पास होता है, तो ये हो जाएगा विद्युत चालक। तांबे का था, तांबे का तार तो करंट पास करने के लिए यूज किया जाता, तो ये भी हो जाएगा आपका विद्युत चालक। लोहे की कील, इसमें भी करंट पास होता है, विद्युत चालक। रबड़, नहीं रबड़ में तो पास नहीं होता है, तो विद्युत रोधक। लकड़ी, विद्युत रोधक। लेकिन ध्यान रखें कुछ रबड़ होते हैं जिनमें कि करंट पास होता है, इसीलिए। लेकिन जब हम रबड़ का बात बोलते हैं तो उससे हम लोग मानते हैं कि उससे करंट पास नहीं होता, इसलिए वह हो जाएगा विद्युत रोधक। अर्थात विद्युत रोधक वह पदार्थ जिनसे करंट नहीं पास हो सकता है, विद्युत चालक वह पदार्थ जिनसे करंट पास हो जाता है। तो चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल दिया गया है, समूह में से अलग पर आपको क्या लगाने, तो घेरा लगाइए। तो देखिए आपको चार समूह दिए गए, उन चार समूह में जो आपका एक अलग है आपको उन पर घेरा लगाना है। एक है रबड़, लकड़ी, पुस्तक या लोहे का तार। तो देखिए रबड़ से करंट पास होता है, बोलेगा सर नहीं होता, लकड़ी से नहीं होता, पुस्तक से नहीं होता, लोहे की तार से हो जाता है। तो देखिए तीन तो हैं जिनसे कि करंट आपका पास नहीं होगा, विद्युत धारा आपका पास नहीं होगा, आप अगर उससे करंट को छूएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर लोहे की तार से छूएगा तो आपको करंट लगेगा। मतलब कि लोहे का तार इन तीनों में से क्या है, अलग है। अब क्यों अलग है, तो क्या लिखेंगे कि लोहे का तार क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो लिखेंगे लोहे की तार विद्युत का सुचालक है। लोहे की तार विद्युत की सुचालक है, लोहे की तार जो है वो आपकी विद्युत की क्या है, तो वो आपकी विद्युत की सुचालक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपके लोहे की तार। चलिए इसे भी बड़ा कर देते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। चलिए ठीक है, अब जब इसके आप आगे के सवाल को देखें तो इसका आगे का आपको सवाल जो दिया गया है वो इस प्रकार है, बल्ब, तार, सेल और साइकिल। देखिए बल्ब भी विद्युत परिपथ में यूज होता है, बोलेगा हाँ सर, तार भी हाँ सर, सेल भी हाँ सर, लेकिन क्या साइकिल आपने देखा है कि विद्युत परिपथ में यूज होता है? क्या आपने देखा है कि आपके घर में जो करंट आया है, जो आपके टीवी से, पंखे से, कूलर से, एसी से, सबसे जुड़े हुए हैं, उनमें कभी साइकिल लगा हुआ हो? नहीं देखा है। मतलब कि इसमें जो अलग हैं वह क्या हैं, तो उसमें मेरे साइकिल जो हैं वह अलग हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, साइकिल होगा, मैं साइकिल पे गोल घेरा लगाना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि साइकिल विद्युत परिपथ का भाग नहीं है। साइकिल विद्युत परिपथ का भाग नहीं है।
जो आपका साइकिल है वो आपका विद्युत परिपथ का भाग नहीं है। तो ये आपके होगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए इसे अभी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से देख कर लिख सकें। तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लिया हूँ, आप इन्हें अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, नाम लिखिए। देखिए जब आप विद्युत सेल को देखे होंगे तो ये इस प्रकार से होते हैं। नीचे आप देखिएगा तो आपको गड्ढे दिखेंगे और ऊपर में आपके एक बिंदी जैसा एक छोटा सा ऊपर में निकला होता है, आपने देखा हो। तो देखिए तो इसमें दो टर्मिनल होगा, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो एक को धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे को ऋणात्मक टर्मिनल बोलते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं, दो, एक को धनात्मक टर्मिनल और एक को ऋणात्मक टर्मिनल बोलते हैं। तो चलिए इन्हें लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत सेल में, सॉरी, में दो टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक, कौन, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक तथा ऋणात्मक दो टर्मिनल होते हैं आपके किसमें, तो आपके जो विद्युत सेल होते हैं उनमें आपके दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। तो चलिए इसे मैंने लिख दिया है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखते हैं। इसका अगला सवाल दिया गया है, आप अपने दैनिक जीवन में विद्युत स्विच का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए आप अपने घरों में विद्युत स्विच का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ, तो बल्ब में, पंखे में, मोटर में, कूलर में, आप टीवी लगाते हैं वहाँ पर विद्युत स्विच का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत परिपथ में, आप लोग करते हैं, और कहाँ करते हैं, पंखे में और बल्ब में और मोटर में और बहुत सी चीज़ में, तो हम लोग बोलते हैं इत्यादि, मतलब इतने जगह हम करते हैं, इनसे भी और भी जगह हम इसका यूज करते हैं, तो विद्युत परिपथ का हम लोग, सॉरी, विद्युत स्विच का हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप, ताकि आप लोग इन्हें आसानी से देख कर लिख सकें। तो चलिए आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो आप इन्हें लिख लें। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत चालक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो हमें बताना है कि विद्युत चालक किसे होता है। जैसे कि आपको बताए कि वह पदार्थ जिसमें कि मान लीजिए यहाँ पे करंट है और यहाँ पे मेरा बल्ब है, इसमें से एक तार जोड़ दिए और एक तार यहाँ पे लाके जोड़े। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए लकड़ी लगा दें तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। तो ये क्या हो गया, ये विद्युत के चालक नहीं हुए, कुचालक हो गए। मान लीजिए यहाँ पे स्टील का तार लगा दिया, जलेगा, हाँ बोलेगा सर जल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे तांबे का तार लगा दिया, जलेगा, बोलेगा हाँ सर जल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया, जलेगा, बोलेगा नहीं सर नहीं जलेंगे। मतलब कि जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिससे पास होकर विद्युत धारा जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक। आप अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो विद्युत चालक क्या होता है, तो विद्युत चालक होता है जिससे विद्युत करंट को छूने पे हमें झटका लगे, करंट लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक। तो चलिए लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है, हमें जो इसका सही परिभाषा है वो लिखना है। तो लिखेंगे जिस गलत हो गया
जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे विद्युत चालक कहते हैं। मतलब जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। उसके बाद क्या बोले, हमको दो नाम लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं क्या, तो आप लोहा लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, टीन लिख सकते हैं, आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, और आप इस तरह के बहुत से चीज़ें लिख सकते हैं जिनसे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। चलिए ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख लें। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, टीन नहीं है, टीन होता है, आपको लिखना है ये टीन होता है, टीन नहीं होता है, टाइपिंग में कीबोर्ड थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नांकित बल्ब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे एक बल्ब दिए गए हैं, इसके विभिन्न भाग को आपको नामांकित करने हैं कि किस भाग के क्या नाम है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल, यहाँ पे अंदर में जो होता है फिलामेंट, और नीचे में जो होता है वो होता है आपका बल्ब का आवरण। तो आपको इन्हीं तीनों के नाम लिखने हैं मेनली, आपको यहाँ चलिए तीनों के नाम लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया टर्मिनल, टर्मिनल ये आपके क्या हो गए, तो ये आपके हो गए फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये आपके क्या हो गए, बाहरी आवरण। तो आपको ये तीन नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो जो नीचे भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, जो बीच में जो दिख रहा है जो जलता है बल्ब में उसे फिलामेंट बोलते हैं, और जो बाहर वाला उसे बाहरी आवरण बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर था 24 वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगला हम पेज नंबर 25 पढ़ेंगे, लेकिन पेज नंबर 25 शुरू करने से पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पेज पे, जो कि है हमारा पेज नंबर 24 के बाद 25। तो ये हमारा पेज नंबर 25 है, तो मैं पेज नंबर 25 को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो चलिए इसके भी हर एक सवाल को एक एक करके देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये भी आपका वस्तुएँ कैसे कार्य करती हैं से ही हैं। तो दिया गया इसमें भाग और जो है वह है उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, और यह आपका आकलन कार्यपत्रक 5 है। तो चलिए जिसमें जो उचित विकल्प है उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला जो आपका सवाल दिख रहा है वह है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ हैं। तो यहाँ पे रबड़, कागज, कोयला और लोहा में कौन सा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आप लोग जानते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है, बाकी का तीनों चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, ऑप्शन नंबर द। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग स्विच के स्थान पर किया जा सकता है। तो देखिए स्विच आप जो देखते हैं तो स्विच में भी क्या होता है, स्विच क्या करती है, एक तार इधर से आई है, एक तार इधर से आई है, दोनों तार को जोड़ने का काम करती है। ये क्या होता है, स्विच जोड़ने का और कट करने का काम करता है। लेकिन देखिए ये जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, नहीं, हाँ विद्युत का चालक ही होता है। मतलब कि इनमें से जो विद्युत का चालक होगा वह इसके जैसा काम कर सकता है। तो क्या चाबी विद्युत का चालक होता है, बोलेगा हाँ सर चाबी तो विद्युत का चालक होता है। चाबी किसका बना होता है, लोहे का या फिर इस्पात का, माचिस की तीली, नहीं सर वो तो लकड़ी का होता है तो नहीं होगा, कांच, कांच भी नहीं होता है, पेन, पेन भी नहीं होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, सॉरी ऑप्शन नंबर अ, चाबी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं।
अगला सवाल दिया गया है, एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या होती है। पिछले पेज में आपको बताए हैं एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है कि विद्युत सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। तो विद्युत धारा मान लिया बैटरी में, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो विद्युत धारा किधर से जाएगी, इधर से इधर जाएगी इधर से इधर जाएगी। तो देखिए विद्युत धारा जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब कि ये होगा प्लस से माइनस। तो देखते हैं कहाँ प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल किस ऑप्शन में दिया गया है। अब देख सकते हैं इसमें ऑप्शन अ में दिया गया, तो इससे हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक चिपकता है। देखिए आप लोगों ने अपने किताब में देखा होगा कि इस तरह से एक छड़ चुंबक दिए गए होंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत से लोहे के बुरादे दिखाए गए होंगे, मतलब कि बुरादे मतलब होता है उसकी पिसी हुई लोहा, लोहे का चूर्ण। आपको इधर भी लोहे का बहुत ज़्यादा चूर्ण दिख रहा होगा आप जब के किताब में, लेकिन आप इधर बहुत कम चूर्ण पाते होंगे, ज़्यादा चूर्ण आपका इसी और इस दोनों छोर पर रहता है। इसका मतलब कि लोहे का जो बुरादा होता है छड़ चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक होता है, तो किस भाग पर, तो दोनों सिरों पर। तो ऑप्शन नंबर अ इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि जो लोहे का बुरादा होता है वो छड़ चुंबक के किस ओर होते हैं, तो दोनों सिरों पर होते हैं सबसे अधिक। अगला दिया गया है, मैग्नेटाइट एक डैश चुंबक है। दिया गया कि मैग्नेटाइट है वह किस प्रकार का चुंबक। देखिए मैग्नेटाइट जो होता है वह किस प्रकार का चुंबक है, तो एक लोह चुंबक होता है। क्या होता है, तो लोह चुंबक होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लोह चुंबक होता है। ठीक, अगला सवाल दिया गया है, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ, तो उसे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए इसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं। तो बल्ब का उसे क्या कहते हैं, बल्ब का उसे फिलामेंट कहते हैं। उसे हम लोग बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपका फिलामेंट लिख दिया है, तो ये आपका हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट। चलिए अगला हमको दिया गया है कि प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते थे। तो प्राचीन काल में आप लोग देखें कि दिशा उपयोग करने के लिए इसका उपयोग होता था, तो एक सुई का उपयोग किया जाता था दिशा ज्ञात करने। किसका उपयोग, तो सुई का उपयोग और तारे का उपयोग किया जाता था। दो चीज़ का उपयोग होता था, सुई का और तारे का। तारे में कौन सा तारा, तो ध्रुव तारे का, और सुई का उपयोग किया था। सुई का उपयोग कैसे होता था, देखिए देखिए एक सुई होता था, उसको एक रस्सी से या फिर बाल से, पतले बाल से बांध दिया जाता था, तो सुई जिस ओर झुकती थी उस दिशा को बोला जाता था क्या, तो उस दिशा को उत्तर बोला जाता था। तो ये सुई जिस ओर झुककर रुकती थी उसे क्या बोला जाता था, उत्तर। और इस तरह से दिशा का पता कर लिया जाता था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुई। तो देखेंगे इसका आंसर सुई। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, मिलान कीजिए। अगले सवाल में मुझे मिलान करने के लिए बोला गया, बोला गया टर्मिनल। तो टर्मिनल आपको बताया क्या होता है, एक विद्युत सेल का भाग होता है, बिल्कुल सही। लोहा क्या होता है, तो लोहा विद्युत चालक होता है, चालक पदार्थ होता है। पुस्तक, पुस्तक तो विद्युत रोधी पदार्थ, उससे विद्युत पास नहीं हो सकती है। तंतु, तंतु यानी कि फिलामेंट बल्ब में उपस्थित भाग है, फिलामेंट को ही तंतु बोला जाता है। चलिए अब इसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि किन्हीं दो विद्युत रोधी वस्तुओं के नाम लिखिए। किन्हीं दो आपको विद्युत रोधी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनसे विद्युत पास नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि दो वस्तुएं जैसे पास नहीं होती है, प्लास्टिक और आपके रबर। तो प्लास्टिक और रबर दो चीज़ें हैं जिनसे कि आपकी विद्युत पास नहीं हो सकती है, तो प्लास्टिक और रबर इसका
आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा अथवा नहीं, कारण सहित लिखिए। तो चलिए परिपथ को थोड़ा गौर से देखिए। परिपथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जब परिपथ को देखिएगा तो देखिए आपको तार यहाँ से यहाँ तक तो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये बीच में आपका तार जुटा हुआ यहाँ पे नहीं है। तो क्या लगता है, बल्ब जलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि परिपथ पूरा नहीं है। तो लिखेंगे यह बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यह परिपथ पूरा नहीं है। तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे लिखने हैं, क्या लिखने हैं? लिखेंगे नहीं, बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है, इसमें तार बीच में क्या हो गया, तो कटा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें तार जो है वो आपके बीच में ही कटे हुए हैं। तो यह आपका हो गया इसका आंसर। तो यही आपके इसके आंसर यहाँ पे हो गए। आप अपने आंसर को अच्छे से देख सकते हैं, इन्हें अच्छे से आपको यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह से आप में देख सकते हैं हमारा पेज नंबर 25 यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको इसके सभी आंसर्स को एक बार और दिखा देता हूँ। आपका एक नंबर का आंसर अ का लोहा है, ब का आंसर चाबी है, स का आंसर ऑप्शन नंबर दो है, द का आंसर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर ऑप्शन नंबर ए है, और अंतर्राष्ट्रीय का आंसर दोनों सिरों पर है। देखिए मैंने यहाँ पे मिलान कर दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से देख के बना लें। यहाँ पे मैंने सभी को पूरा टाइप कर दिया है आप सभी की सुविधा के लिए, कि आप इनको अच्छे से देख के लिख सकें। तो चलिए वीडियो इस पर समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार लास्ट में फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसे दबाकर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।